नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BSET की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है यूपी फॉरेस्ट गार्ड के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी और जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए हमारा सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो भविष्य काल के कुल 3 भेद होते हैं। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। और दोस्तों, हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से अनुज का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो अनुज शब्द का विलोम हो जाएगा दोस्तों अग्रज। तो दोस्तों, यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख ले दोस्तों। अनुरूपता का पालन करते समय प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त पद भरना है आपको। तो दोस्तों, जिस प्रकार शरीर का संबंध है हमारी आत्मा से, उसी प्रकार शब्द का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर बात करें तो अनुरूपता के अनुसार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्थ। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया उनका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि शरीर का आत्मा से जो संबंध है वही शब्द है, वही संबंध है दोस्तों शब्द का अर्थ से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है, जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो समिति शब्द है हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद की समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए उनका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तोला शब्द क्या मापने की इकाई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जनरली जो सोना खरीदा जाता है वो किस में आता है, तोले के हिसाब से आता है ना। तो यहां से दोस्तों आपका सही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वजन मापने की इकाई को हम कहते हैं तोला। तो जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी उनका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, संसार का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से संसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर बात करें तो संसार का सही संधि विच्छेद होगा समधनसार। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन, वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया। और दोस्तों, यह किस संधि का उदाहरण होगा, तो बिल्कुल ठीक है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, शब्द महर्षि का संधि विच्छेद दिए गए ऑप्शंस में से जल्दी से चुनकर बताइए कि कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल ठीक, महा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो कुछ शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में नहीं होता है, जबकि संज्ञा, क्रिया विशेषण एवं विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहां से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिया, बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर बात करें यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी उजाड़ना। तो यहां से जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उनका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। अब ना तो उन्हें रट्टा लगाकर सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और ना ही उनका ज्ञान केवल किताबों तक क्या रहेगा। तो दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं कि इस प्रश्न के लिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, रिक्त स्थान में हम किस ऑप्शन को भरें कि हमारा वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, सभी का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। इनमें से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप समान होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, डाकू की, तो डाकू शब्द का एक वचन और बहुवचन में समान रूप होता है और शेष तीनों विकल्प दोस्तों असंगत हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लें। इनमें से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप समान होगा। तो दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताइए इस प्रश्न के लिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन नंबर डी आदमी शब्द का एक वचन और बहुवचन जो है वो समान होता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न।
दोस्तों शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए इस प्रश्न के लिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों के अंतर्गत सार्वनामिक विशेषण में आता है। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन, वेरी गुड, जिसने भी बताया ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अगर हम बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण तीनों नाम असंगत हो जाएंगे यहां से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करें। शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस क्रिया में, किस श्रेणी में आता है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठंडा शब्द जो है वो किस प्रकार की विशेषता को प्रकट कर रहा है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ठंडक जो है वो पानी के अंदर या फिर बर्फ के अंदर होती है और यह पानी के गुण को प्रदर्शित कर रही है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन, वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। शब्द नीलकंठ समास की किस श्रेणी में आता है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उनका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों दिए गए चार वाक्यों में से एक हिंदी व्याकरण वाक्य रचना के अनुसार शुद्ध नहीं है। तो दोस्तों जल्दी से चारों ऑप्शन पे विचार करके बताइए और दिए गए वाक्यों में से कौन एक अशुद्ध है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए वाक्यों में जल्दी करो, 8:10 है, यह वाक्य जो है वो अशुद्ध है। तो यहां से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर हम इसके शुद्ध रूप की बात करें तो 8:10 है, बस इतना ही पर्याप्त है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। जी दोस्तों दिए गए चार वाक्यों में केवल एक हिंदी व्याकरण वाक्य रचना के अनुसार शुद्ध है, सही विकल्प का चुनाव करके जल्दी से विचार करके बताइए कि इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए तो दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य होगा हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। बाकी तीनों में वर्तनी के आधार पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कपड़ा का एक पर्यायवाची कौन है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए वसन की, तो वसन शब्द कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। जबकि अगर हम बात करें मृदु का आशय क्या होता है, मीठा। वृष्टि का होता है, बिल्कुल ठीक है, वर्षा। और सरोज का, तो बिल्कुल ठीक है, सरोज को हम कमल के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों विष का पर्यायवाची है, तो जल्दी से विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से विष, जहर किसे कहा जाता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विष का पर्याय हो जाएगा हमारा गरल। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों कौन सा आंख का एक पर्यायवाची होगा? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी माने चक्षु जो है वो आंख के पर्यायवाची होते हैं। तो यहां से सॉरी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर हम बात करें व्योम की, तो व्योम के पर्यायवाची क्या होंगे? बिल्कुल ठीक है, हमारा आकाश है, अंबर है, नव गगन, ये सब जो है व्योम के पर्यायवाची होते हैं। दोस्तों तुरंग, तो बिल्कुल ठीक है, अब घोड़ा को कहते हैं हम तुरंग, और सरोज तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, कमल है, पंकज है, नीरज है, यह सब सरोज के पर्यायवाची होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से छाया का विपरीतार्थक विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए विकल्पों में से छाया का विलोम जो है वो क्या होगा? धूप हो जाएगा। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। दोस्तों मूक का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों। मूक मतलब जो बिल्कुल नहीं बोलता है, और उसका अपोजिट, उसका अब विलोम हो जाएगा वाचाल, जो बहुत अधिक बोलता है। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से किस में निम्नलिखित मुहावरे का सही आशय स्पष्ट किया? तो दोस्तों आंख बिछाना है हमारा मुहावरा, और इसका सही अर्थ क्या होगा दिए गए ऑप्शंस में से? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो आंख बिछाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रतीक्षा करना, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही विकल्प, वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर हम बात करें अनदेखा करना, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा ध्यान ना देना, और दोस्तों अत्यधिक स्नेह करना, तो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा आंखों में बसाना। और धमकाने का क्या अर्थ होगा? तो बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो धमकाना मतलब आंख दिखाना। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से किस में निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ दिया गया? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांत काटी रोटी,
तो दोस्तों इस मुहावरे का सही अर्थ दिए गए ऑप्शंस में से क्या होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए मुहावरे दांत काटी रोटी का उपयुक्त अर्थ होगा पक्की मित्रता। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो रामायण पढ़ी जाती है, प्रार्थना की जाती है और मछली तैरती है। तो यहां से मकान जो है वो क्या होगा? मकान किराए पर दिया जाता है, मकान खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाराणा प्रताप के 475वें जन्मदिन पर कौन सा स्मारक सिक्के को जारी किया गया? जल्दी से विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो 9 मई 2016 को महाराणा प्रताप के 475वें जन्मदिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साक्षी मलिक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है और इन्होंने ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक भी जीता है। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में शुरू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? तो दोस्तों जल्दी से सारी टैगलाइन को पढ़ के और विचार करके बताइए इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, इको फ्रेंडली ईंधन फॉर बेहतर जीवन। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है, किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य जो है वो असम राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यह जो है असम का सबसे प्राचीन वन्य जीव अभयारण्य है और यह अभयारण्य जो है गर्म फव्वारों मतलब हॉट स्प्रिंग्स और झरनों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ओजोन परत निम्नलिखित को रोकती है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो समताप मंडल के ऊपरी भागों में ओजोन जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है और जिसे ओजोन परत कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। किसे ज्यामिति के पिता के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। तो यहां से जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पंडित जसराज के ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? दोस्तों पंडित जसराज का संबंध दिए गए ऑप्शंस में से किस विधा में है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो पंडित जसराज भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं और इनका संबंध मेवाती घराने से है। और इन्हें दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त है। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए, संगीत म्यूजिक बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारा महाद्वीप माने ऑप्शन नंबर बी, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सेशेल्स द्वीप जो है वो कहां स्थित है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो सेशेल्स जो है वो 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है और यह अफ्रीकी मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में और मेडागास्कर के उत्तर में हिंद महासागर में स्थित है। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर इंडियन ओशियन हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे बड़े वन क्षेत्र हैं? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से विचार करके बताइए इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं।
टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान जो है वह मैसूर का शासक था। तो यहां से इस प्रश्न के लिए हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों हैदर अली की मृत्यु के पश्चात 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान जो है सुल्तान बना था। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? कितने सदस्यों का मौजूद होना चाहिए यदि लोकसभा की बैठक को आयोजित करना है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो सदन की कुल संख्या का 10वां भाग माने कम से कम 10% सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी होता है बैठक को आयोजित करने के लिए। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों राज्य परिषद के सदस्यों को पद की शपथ निम्नलिखित द्वारा दिलाई जाती है, तो किसके द्वारा जो है राज्य परिषद के सदस्यों को? बिल्कुल ठीक दोस्तों, राज्य परिषद के सदस्यों को शपथ जो है राज्य का राज्यपाल दिलाता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए गवर्नर बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों भारत का प्रथम मसालों का संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो बात थोड़ी सी पुरानी है। वर्ष 2016 में भारतीय मसाला बोर्ड ने प्रथम मसालों का संग्रहालय जो है वो कोची में स्थापित किया है। और कोची कहां है दोस्तों? यह केरल में है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में कंस्ट्रक्ट मीडिया द्वारा भारत का पहला स्टार्टअप छात्रावास शुरू किया गया है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, ये बेंगलुरु हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल राइट ऑप्शन, वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन, वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पुस्तक व्हाइट मैजिक अ स्टोरी ऑफ हार्ट ब्रेक हार्ड ड्रग्स एंड होप के रचयिता कौन है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन राइटर कौन होगा? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो व्हाइट मैजिक अ स्टोरी ऑफ हार्ट ब्रेक हार्ड ड्रग्स एंड होप के लेखक अर्जुन नाथ है। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इनमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी माने चिल्का झील जो है भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो दोस्तों यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। और दोस्तों यहां पर सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी आते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि किस पुरस्कार को खेलों का ऑस्कर कहा जाता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर बात करें तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स को खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना संसदीय लोकतंत्र कौन है? जल्दी से विचार करके बताएं, विच इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। और दोस्तों यह व्यवस्था वहां कब से है? तो वर्ष 930 ईस्वी से ही यहां पर संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहां स्थित है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो वियना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राजगीर महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं इस प्रश्न के लिए सही विकल्प क्या होगा? बिल्कुल ठीक, राजगीर महोत्सव का आयोजन बिहार में किया जाता है। और दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों किस देश या देशों में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप एक वनडे इंटरनेशनल
प्रतियोगिता है और इसका आयोजन जो है प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। तो ये तो आपको पता है। इसका आयोजन जो दोस्तों 2023 में हमारे इंडिया माने भारत में किया जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों बगलिहार किस राज्य में स्थित है? जल्दी से विचार करके बताएं दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बगलिहार जो दिए गए ऑप्शन में से किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल ठीक, बगलिहार एक बांध है दोस्तों जो कि जम्मू के डोडा जिले में बनाया गया है। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन, तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक नामक पुस्तक किस उद्योगपति की जीवनी पर आधारित है? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें कि बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन नामक पुस्तक जो है आर एम लामा द्वारा लिखी गई है और यह जे आर डी टाटा के जीवन पर आधारित है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जे आर डी टाटा बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, अच्छी लगी है, तो फिर इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल बी एस ए टी की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।